সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কংগ্রেসও তাদের মতে এতে অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের দরজা খুলে গেল কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট মানুষের আস্থার ওপর ভিত্তি করে রায় দিয়েছে এবং এই আস্থাকে পুঁজি করে বিজেপির ভোট রাজনীতি দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস কার্য সমিতি কা বয়ান ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস অযোধ্যা মামলে সুপ্রিম কোর্ট কে নির্ণয় কাজ সম্মান করতি हम सभी संबंधित पक्षों व सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित सर्वधर्म संभाव तथा भाईचारे के उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन चयन का वातावरण बनाए रखें हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परस्पर सम्मान और एकता की संस्कृति व परंपरा को जीवंत रखें वर्षों बाद माननीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कर दिया मुझे लगता है यह मामला किसी व्यक्ति विशेष समूह या दल को श्रेय देने का है ही नहीं जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है सर्वोच्च अदालत के आज के फैसले से राम मंदिर के निर्माण के द्वार तो खुल ही गए जैसा आपने कहा लेकिन इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के सत्ता के भोग के लिए देश की आस्था के साथ राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए क्योंकि राम वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, सत्ता के भोग का नहीं प्योर एफ चैनल दिन रात